आज की जो लेक्चर होगी ये है रेस्पिरेशन पे, एग्जैक्टली रेस्पिरेटरी डायनेमिक्स। आवाज बताना क्लियर है? तो टुडेज क्लास विल बी ऑन स्पेशली रेस्पिरेटरी डायनेमिक्स, ठीक है? आवाज क्लियर है मेरी? तो जो आज का लेक्चर हम लोगों ने रखा है वो स्पेशली रखा है डायनेमिक्स, मतलब रेस्पिरेटरी डायनेमिक्स, मतलब रेस्पिरेशन के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, ठीक है? स्पेसिफिक जो चीजें रिक्वायर्ड है उनकी बातें हम लोग करेंगे। तो बेसिकली जो रेस्पिरेशन है वो अपनी डिपेंड करती है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पर। तो बेसिकली जो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट में हम लोग चलेंगे तो उसमें हम लोगों को देखना होगा कि रेस्पिरेशन है क्या। तो द मेजर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन ऑल दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स एंड द एनिमल्स दैट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी टिपिकली विथ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी हम एनर्जी मतलब गेन करते हैं, जब भी हम ऑक्सीजन को लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन जो होती है हमारे ब्लड के साथ एल्वियोलस के थ्रू वो मिक्सअप होती है और वहाँ से एक पार्शियल प्रेशर बनती है। तो ये पार्शियल प्रेशर जिसका उसमें ज़्यादा होता है वो अपने आप को मतलब CO2 O2 से, और O2 का अगर ज़्यादा है तो वो CO2 से मतलब ट्रांसफर हो जाता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो एनवायरनमेंट से बॉडी के अंदर ब्लड में चले जाता है, और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पार्शियल प्रेशर जब ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की तो वो अपने आप को एक्सचेंज कर लेता है, तो ये सराउंडिंग में एनवायरनमेंट में भेज देता है। तो ये जो फ्रेश ऑक्सीजन आता है ये इससे, क्योंकि ये क्या ऑक्सीजन क्या है, एक तरह का सोर्स, एनर्जी का सोर्स, ठीक है? तो ये हीमोग्लोबिन में जाके मिलती है, और हीमोग्लोबिन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन ही है ना, हीम और ऑक्सीजन ही है। तो ये क्या होता है, ये और मजबूत होता है और दूसरे कामों में मतलब एनर्जी प्रोविजन में ये हेल्प करता है। तो अगर हम बात करें वेरियस मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, तो सिंपलर जो है यूनिसेल्यूलर एनिमल्स में क्या होती है, अमीबा, ये रेस्पिरेशन करती है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? लेकिन जो एनिमल्स है लाइक अर्थवर्म्स, ये क्या करता है, ये चूंकि सॉइल में रहता है तो ये जो ऑक्सीजन सॉइल में होता है उसी से एब्जॉर्ब करता है थ्रू देयर स्किन, और इन कॉन्ट्रास्ट टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन इट जस्ट रिमूव्स द कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द सॉइल। तो ऐसे ये जो गैसेस एक्सचेंज है वो स्किन से अर्थवर्म करता है। एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं जैसे फिश, प्रॉन्स है, इनका क्या होता है, दे आर यूजिंग देयर गिल्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन जो भी वाटर में डिसॉल्व है उसको एक्सट्रैक्ट करता है और उसको अपने बॉडी में ले लेता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसी प्रोसेस के थ्रू गिल से बाहर कर देता है। अब देख सकते हो इंसेक्ट्स में ग्रास होपर, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो है, इनके पास क्या होती है, एक टाइनी होल्स होती है, ये स्पेरेकल्स कहते हैं, इनके बॉडी में होती है। तो ये दरअसल एक एयर ट्यूब्स होते हैं जिसको हम लोग ट्रैकिया और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहते हैं। तो ये उनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज करते हैं। लेकिन अगर लैंड एनिमल्स की बात करें तो जैसे ह्यूमंस, बर्ड्स, लिजार्ड, डॉग, जो भी एनिमल्स हैं, तो ये गैसेस ऑफ एक्सचेंज करते हैं लंग्स के, ठीक है? और इसमें जो स्पेशली फ्रॉग्स है, ये दीज फ्रॉग्स हैव ओनली द कैपेबिलिटी, और यू कैन से द एम्फीबियंस हैव द कैपेबिलिटी टू मेक गैसेस एक्सचेंज थ्रू लंग्स एज वेल एज द स्किन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ देख सकते हो एनिमल्स हैं जिनका
मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन अलग अलग है, कोई स्किन के थ्रू कर रहा है, कोई बॉडी वॉल के थ्रू कर रहा है, कोई गिल्स से कर रहा है, ठीक है, कोई स्पेरेकल से कर रहा है जो इसके बॉडी पे होते हैं, और बाकी जो है लंग से करते हैं अपने ट्रेकिया को, एल्वियोलस। तो अगर एनाटॉमी की हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो मतलब ये इसको मोस्टली थ्री पार्ट्स में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। एक तो द एयर वे हो गया, द लंग्स और द मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो जो एयर वे की बात करते हैं, तो ये जो एयर वे थ्रू नोज हम लोग सांस लेते हैं ना, तो ये नोज हो गई, इसमें माउथ भी यूज होती है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स होती है। लेकिन जब लंग्स की बात करते हैं, तो लंग्स क्या है, ये एक तरह से कह सकते हो कि ये ही पूरा का पूरा अपने आप में एक सिस्टम है, ठीक है, जो कि गैसेस एक्सचेंज को पार्टिसिपेट करता है, और स्पेशली इसमें जो होते हैं वो तुम्हारे क्या होते हैं, एल्वियोलाइज जो है, ठीक है। तो ये होल लंग्स होगी। और मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें, तो बेसिकली इसमें डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, क्योंकि ये डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स एक दूसरे के बिल्कुल कनेक्टेड है। जैसे जब भी हम इनहेलेशन करते हैं, तो क्या होती है, एयर भरता है लंग्स में, उसके कारण ये नीचे जाता है, ठीक है। तो ये इंटरकोस्टल मसल्स क्या करता है, उसको नीचे प्रेस करता है, और वो डायफ्राम उसको मेंटेन करता है, और जब ज्यादा हवा हो जाता है तो फिर डायफ्राम उसको पुश करता है, जिसके कारण से इंटरकोस्टल मसल के हेल्प से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम बाहर कर सकते हैं। तो ये हो गई एक सिंपल प्रोसेस। तो एयर वे की जो बात करें, इसमें नोज, नेजल कैविटी और ओरल कैविटी और फेरिंग्स आता है। तो ये सब बिल्कुल बेसिक्स चीजें हैं, इनके बारे में बहुत ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोगों को बेसिकली जो लेना है वो दूसरी चीज, मतलब स्पेशली जो करनी है वो क्या बोलते हैं, डायनेमिक्स देखनी है कि कैसे होती है ये। तो लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक्स है। तो हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी डायनेमिक्स की। तो डायनेमिक्स में देख सकते हो अलग अलग चीजें हैं, लाइक अगर हम फिश की बात करें, तो ये फिश जो है, दोज आर द प्राइमिटिव ऑफ प्रेजेंट डे वर्टिब्रेट्स, एंड दे आर हैविंग द साइक्लोस्टोम्स, दैट इज अ गिल। मतलब जो गिल है उसका स्ट्रक्चर साइक्लोस्टोम के जैसा है, और ये पाउच में होती है ना, और ये इंटरनली कनेक्ट होती है। गिल्स जो है दैट आर बीइंग इंटरकनेक्टेड विद देयर। सर अब कौन सा स्लाइड पर आ रहे हैं, क्या दोनों स्लाइड आ रही है क्या अभी? 9 नंबर का स्लाइड आ रहा है सर। एक मिनट, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रहा सर। हाँ, म्यूट हो गया था। तो ये कहने का मतलब है कि जो फिश में जो गिल्स होती है, ये साइक्लोस्टोम्स टाइप की स्ट्रक्चर होती है, जो इंटरनली कनेक्ट होती है फिश के फेरिंग्स से, मतलब थ्रोट से होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरह से फिश जो है, ये इसकी डायनामिक्स ऑफ रेस्पिरेशन होती है। अगर हम एम्फीबियंस की बात करें, तो जैसे फ्रॉग्स है, क्योंकि एम्फीबियंस में बताया था कि इसी में एक खासियत होती है, जो लंग्स के थ्रू भी लेती है, और मतलब हाँ गिल्स के थ्रू, उसको ऐसे गिल्स भी यूज कर सकते हैं, पानी से भी निकाल लेती है, एक्सचेंज कर लेती है गैस का, और एयर में भी करता है। तो ये इसका रीजन स्पेशली क्या है, तो ये क्या है, दीज आर द एक्सेप्शनल एनिमल्स, ठीक है, ड्यू टू दे आर हैविंग द स्पेशलिटी दैट दे कैन ले देयर एग्स ऑन लैंड, बट मोस्टली ऑफ द टाइम दे आर यूज टू लिव इन द वाटर। सो देयर रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज इज कंडक्टेड थ्रू द स्किन, गैस परमिएबल स्किन दे हैव,
and they have also the provision of gills. So in addition to these structures, the frog tadpoles use their large tail fins for respiration. I mean to say, ये जो tadpole है, क्योंकि ये तो अंडा देता है बाहर, लेकिन सब पानी में ही रहता है ना, बड़ा जो भी होता है इसकी ग्रोथ सारी होती है पानी में. तो इनके जो टेल्स होते हैं, ठीक है, इसमें ही प्रोविजन होती है ऐसी कि ये पूरे टेल्स जो है इसको यूज करता है एज ए गिल्स, और वही सर्वाइव करता है और अपना जो ग्रोथ होता है वो प्रोवाइड करता है. तो ये जो फ्रॉग टेडपोल्स है, दे यूज देयर लार्ज टेल फिन्स फॉर रेस्पिरेशन, और दीज टेल फिन्स दे आर कंटेनिंग ब्लड वेसल्स एंड आर इम्पोर्टेंट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स. And it is only due to the large surface area of the fins. देखोगे जो छोटा छोटा टैडपोल होता है उसका पीछे का जो मेरे पूंछ वाला एरिया होता है वो काफी लंबा और चौड़ा होता है. That is only due to their having the large number of blood vessels, which are act as respiratory system. तो lungs जो amphibians के होते हैं, they are sac-like structures, ठीक है, and they are कह सकते हो spongy इन अपीयरेंस होता है, मतलब ये लाइक बर्ड्स और मैमल्स का. लेकिन द लंग्स ऑफ मोस्ट एम्फीबियंस दे कैन रिसीव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ टोटल ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट. इनमें एक खूबी होती है, तभी ये ब्लड सॉरी पानी में मतलब गैसेस एक्सचेंज कर पाते हैं, ठीक है. तो ये एम्फीबियन के लिए स्पेसिफिक होगी. अब हम लोग जो बात करते हैं स्पेशली रेप्टाइल्स के केस में, रेप्टाइल्स क्या है, they are having survivability in the land especially, और ये कभी कभी मतलब permeable to water होते हैं, लेकिन mostly their skins are relatively impermeable to water. तो generally ये क्या करते हैं, ये respiration के लिए बहुत ज्यादा पानी में sufficient नहीं है. So they have a specialized reptiles like sea snakes. ये जो होते हैं खास तरह के जो स्पेशलाइज्ड रेप्टाइल्स होते हैं, ये परमेबिलिटी टू वाटर होते हैं, और इनकी भी गिल्स और एम्फीबियंस टाइप की इसमें मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, जिनके थ्रू वो पानी में और बाहर भी मतलब इंस्पिरेशन और रेस्पिरेशन कर लेते हैं. लेकिन मोस्टली जो रेप्टाइल्स होते हैं ये एक तरह से समझो कि कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, और एम्फीबियंस टाइप की ही होती है. क्योंकि देखोगे मोस्टली रेप्टाइल्स भी जो है वो those are also act as amphibians. पानी में भी रहती है, जमीन पे ज्यादा टाइम रहती है, लेकिन कुछ टाइम पानी में भी रहती है. तो ये इनकी एक खासियत होती है. तो बेसिकली क्या है, ये जो reptiles होते हैं ये अपने metabolic रेट को इतना हाई कर लेते हैं ना कि मतलब अंदर से उनका बॉडी जो है हॉलो हो जाता है, और बोलो मतलब स्विम कर सकते हैं, तैर सकते हैं. तो मतलब वो चले गए पानी में, ठीक है, उन्होंने अपने बॉडी को इस तरह से अडॉप्टिव कर लिया. तो बेसिकली द मैकेनिज्म फॉर लंग इन्फ्लेशन इन रेप्टाइल्स इज एन एस्पिरेशन. एस्पिरेशन को समझ सकते हो सक्शन पंप टाइप की काम करती है, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, जो जैसे बर्ड के केस में होता है ना, वैसे ही इसमें भी चलता है. मतलब जैसे हम लोग ह्यूमंस भी मैमल्स भी जैसे देखते हो कि पानी में तैर लेता है, काफी देर तैर लेता है ऊपर नीचे भी करके, तो उसमें मेन वही जो लंग्स का सिचुएशन होता है वो एस्पिरेशन और सक्शन पंप टाइप का हम लोग काम करते हैं. तो इस तरह से रेप्टाइल्स जो है इनका ब्लड का और इनका सब सारा डायनामिक्स होता है रेस्पिरेशन. बर्ड्स के केस में दे आर आल्सो कैपेबल ऑफ हाई रेट्स ऑफ गैस एक्सचेंज बिकॉज ऑफ देयर ऑक्सीजन कंजम्पशन. ये रेस्ट की कंडीशन, रेस्टिंग कंडीशन में ज्यादा होती है, ठीक है, अदर वर्टिब्रेट्स के थ्रू. इस कारण से ये क्या करते हैं, ये तो जैसे रेप्टाइल्स है या एम्फीबियंस है वो पानी और लैंड पे आ गए, लेकिन बर्ड्स इसी के कारण क्या होती है, हवा में भी उड़ जाती है और लैंड पे भी रह लेती है, ठीक है. जब उनको ऊपर जाना होता है तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ऐसा कर लेते हैं कि फॉलो कर लेते हैं, मतलब अंदर से बिल्कुल हल्का हो जाता है, उसमें जो एयर रहती है उसके हेल्प से वो काफी देर तक सांस भी ले सकते हैं और उड़ भी सकते हैं, ठीक है. तो बेसिकली क्या है, द गैस वॉल्यूम ऑफ द बर्ड लंग इज स्मॉल कंपेयर्ड विद दैट ऑफ मैमल्स, बट द लंग इज कनेक्टेड टू वॉल्यूमिनस एयर सैक्स
by a series of tubes, which makes them the capacity to total volume of the respiratory system. ठीक है, तो the trachea इनकी जो होती है वो divided होती है primary bronchi में, और जो lung होता है ये इसको pass करता है, ठीक है, abdominal air sac के through, and secondary bronchi भी also उनके पास है, लेकिन ये क्या करती है, उसको use करती है as a air sacs. टर्शियरी ब्रोंकाई भी होती है जो पेनिट्रेट करती है लंग मास को, और ये फॉर्म करता है वॉल्स ऑफ द टर्शियरी ब्रोंकाई. तो इसमें क्या होती है, फाइन एयर कैपिलरीज होती है जिसके थ्रू उड़ते हुए भी ये सांस ले लेती है. ठीक है, और जब बेसिकली हम लोग अगर मैमल्स की बात करें तो स्पेशली क्या है इसमें, द गैस एक्सचेंज that is very much necessary in the mammals, and it supports the elevated metabolic rate of mammalian lungs. ठीक है, so the division of these lung airways, these provide gas to the tiny alveoli. Alveoli को हम लोग also gas sacs के नाम से जानते हैं, जहाँ gas की exchange होती है carbon dioxide और oxygen की, और भी दूसरे gases की होती है. तो ये क्या करता है, मैमल्स के केस में ये जो एयर सैक्स होते हैं ये बिल्कुल फंक्शनल होता है, अदर्स के केस में फंक्शनल नहीं होता है. फंक्शनल कहने का सेंस है वो अपने हिसाब से कंडीशनल वो उसको थोड़ा वो मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन जो मैमल्स होते हैं ये बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा इसमें चेंज नहीं कर सकता है, और ये बिल्कुल फंक्शनल होती है, और इसका जो बेसिक काम होता है वो गैस एक्सचेंज का ही होता है through the surface area of the lungs. मतलब जब भी इसको एक्सचेंज करनी है तो ये जो सरफेस एरिया लंग्स की होगी वो पूरी बढ़ जाती है. ठीक है, जिसके कारण बहुत ज्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन बी डन. सो ह्यूमन लंग्स हैव एन एस्टिमेटेड, देख सकते हो 300 मतलब करोड़ एल्वियोलाई होती है इसमें. ठीक है, एक अडल्ट एनिमल में, अडल्ट ह्यूमन में या अडल्ट एनिमल में भी कह सकते हो. तो इंस्पिरेशन इन मैमल्स की अगर बात करें तो इट इज एज इन रेप्टाइल्स एंड दे आर पावर्ड बाय एस्पिरेशन, सक्शन पंप. सो एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट लोअर्स द प्रेशर बिटवीन द लंग्स एंड द चेस्ट वॉल एज वेल एज द प्रेशर विद इन द लंग्स. मतलब जो चेस्ट वॉल के अंदर जो प्रेशर क्रिएट होता है एयर का, इसी के थ्रू ये पार्शियल प्रेशर में कन्वर्ट करती है इसको. तो अंदर जब ज्यादा होगा तो अपने आप बाहर आना चाहेगा. ठीक है, तो बाहर में क्या है तुम्हारा, ऑक्सीजन है, तो वो जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर प्रेशर बढ़ेगा तो ये बाहर की ओर जाना चाहेगा. तो जब ये बाहर जाएगा तो उसको तो फुलफिल होना है ना, तो अंदर वाली फिर मतलब जो ऑक्सीजन है वो बाहर से अंदर की ओर आ जाएगी. तो इसको स्पेशली फुलफिल करने में एक तो इंटरकोस्टल मसल की जरूरत होती है और दूसरे डायफ्राम की. तो जो एटमोस्फेरिक एयर जो है ये फ्लो करती है लंग्स में, और द चीफ मसल्स ऑफ इंस्पिरेशन होती है दैट आर इन द डायग्राम, डायफ्राम एंड द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. सो दिस डायफ्राम इज अ डोम लाइक शीट ऑफ मसल व्हिच आर सेपरेटिंग द एब्डोमिनल एंड चेस्ट कैविटीज. और ये क्या करती है, जब भी हवा भरती है तो इट विल मूव्स डाउनवर्ड बिकॉज दे विल contract at that time, and whenever they have to relaxed, जब relax होगी तो diaphragm जो है वो ऊपर की ओर जाएगी, और फिर जो internal जो lungs में जो air होगी वो बढ़ जाएगी और बाहर जाएगी. So the external intercostal muscles ये contract करेगा तो ribs जो है वो rotate करेगा upward. ठीक है, upward laterally, and it will tends to increase the chest circumference. So during severe exercise, देखो कि जो muscles होता है, muscles मतलब अलग type के muscles, दूसरे muscles जो lungs के आसपास में होते हैं वो भी use होते हैं. देखियो ना, पूरा जैसे अब कोई exercise कर रहा है animal, मान लो कि जैसे बैल है, अगर उसको ploughing करा दिए तो बहुत ज्यादा खेत वेत जोतने के बाद क्या होता है, animal पूरा एकदम पेंटिंग करने लगता है, हाँफने लगता है. ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, उसके जो हार्ट मसल्स इनफैक्ट वो भी बहुत ज्यादा प्रेशर में आते हैं और
एक तरह से डायफ्राम जो है उसको वो कॉन्ट्रैक्ट कर रिलैक्स कराते हैं ऊपर की ओर, ठीक है, जिसके कारण इंटरकोस्टल मसल्स है वो और अलोंग विद डिफरेंट मसल्स विच आर प्रेजेंट इन एंड अराउंड द पल्मोनरी कैविटी दैट विल हेल्प एंड मेक द एयर आउट वट एवर इट इज इन द लंग्स. तो ये इंटरकोस्टल मसल्स इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका. तो एक्सपायरेशन के केस में क्या होता है, ग्लॉटिस जो है वो ओपन होता है, इंस्पायरेटरी मसल्स रिलैक्स करती है और जो स्टोर्ड एनर्जी होती है चेस्ट वाल में या लंग्स में ये जनरेट करता है एक पावर, ठीक है, दैट विल लीड टू द एक्सपायरेशन. मतलब ये पुश करती है और एक्सपायरेशन में हवा को बाहर भेजती है. तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होती है, जब रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा लेबर्ड हो जाता है मतलब काफी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो होता है और एब्डोमिनल मसल ये ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और ये सब दोनों मिलके क्या करते हैं एक डिप्रेशन बनाते हैं रिब के केज में, ठीक, रिब केज में डिप्रेशन बनाते हैं और चेस्ट का सर्कमफेरेंसेस को ये डिक्रीज कर देते हैं. तो डिक्रीज करते हैं तो मतलब एक तरह से नेगेटिव प्रेशर बना, तो नेगेटिव प्रेशर बना तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी गैस जो लंग्स के अंदर है वो बाहर जाना चाहेगा क्योंकि उसका प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है. तो पार्शियल प्रेशर बढ़ गया अंदर का, ये बाहर जाएगा तो क्योंकि वो तो हॉलो रहना नहीं है, ये जैसे बाहर जाएगा वैसे ही जो बाहर वाली हवा है वो अंदर आ जाएगा. तो ये एक दोनों जो है मतलब कंटिन्यू, ये एक अगर जाएगी तो एक कम होगी, ठीक है. तो इस तरह से ये जो तुम्हारी डायनेमिक्स ऑफ रेस्पिरेशन है ये कंटिन्यू रहती है, ठीक है. तो ये